सही के छोड़ सको ऐसे आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे रंगता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं कि एड्रेस इसके रंगता एजुकेशन कैंपस नियर द नंदन हीरापुर कॉलोनी अटारी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट में ये पड़ता है। अब इसमें जो इसकी दो कैंपस है, मेनली दो कैंपस है, उनमें से हम आज बात करेंगे भिलाई कैंपस के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है ये कैंपस को देख के इसके बारे में इंस्टीट्यूट को, ये पूरा का पूरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूँ तो 1999 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 150 एकड़ में पूरा ब्यूटीफुल सा कैंपस इसमें फैलाया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है कि इसमें कोर्स ऑफर के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारा, दुनिया का हर एक इंडिया में जितना भी सारा, आप चाहे वो बीसीए हो, एमसीए हो, एमटेक हो, बीटेक हो, या फिर एमबीए हो, या फिर पीएचडी हो, या फिर बीएससी ऑनर्स हो, या लॉ हो, हर तरह का आपको कोर्स मिल जाता है। आप किसी भी ब्रांच से किसी भी, आप जिस भी चीज का उम्मीद रखते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं, वो सारा का सारा कुछ ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। अब आज इतने बात करते हैं कि ये तो सारा का सारा कोर्स ऑफर हो चुका है, लेकिन हम एडमिशन कैसे लें इसमें। सबसे बड़ी बात होती है कि एडमिशन लेने के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इन्होंने अपना जो भी अपना ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन करके रखा है, छत्तीसगढ़ स्टेट कोरा के थ्रू, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट कोरा के थ्रू आपको जो भी, छत्तीसगढ़ मान लीजिए आप WBJEE के अंदर हो या फिर आप कर्नाटका के अंदर हो, तो आपको देना क्या पड़ता हो, कमेंट के देना होता है जो भी स्टेट का जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ का स्टेट का जो भी एंट्रेंस टेस्ट, वो यहाँ पे दे दिया गया है। लाइक आपको छत्तीसगढ़ एंट्रेंस टेस्ट PET के थ्रू ही आपको इसमें इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता है उसके थ्रू ही आपको इसमें, उसमें जो भी आपका रैंक आएगा, जो भी आपका कट ऑफ आएगा, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। अगर बात करें इसके अलावा अदर स्टेट कोटा के लिए, आप अगर अदर किसी छत्तीसगढ़ के अलावा किसी दूसरे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर द जेईई मेन एंड ऑन द बेसिक ऑफ द जेईई मेन यू गेट द एडमिशन। एंड अदर थिंग इज कि आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिल जाता है। आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको इसमें, आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको जो 10+2 या फिर +2 का जो भी आपका स्कोर आता है उसके बेसिक पे आपको इसमें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, एडमिशन के बारे में सारा का सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो चुका है। बात करते हैं एडमिशन के, एडमिशन तो हो चुका है उसके बारे में, अगर बात करते हैं इसके अलावा की फीस के बारे में, देखो यार फीस आपको जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्ज, इसके अलावा प्रोस्पेक्टस चार्ज या फिर कॉस्ट मनी। कॉस्ट मनी का मतलब ये होता है कि जो मनी आपको रिफंड कर दिया जाता है, या फिर तो 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में कभी भी रिफंड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन आपको उसके हिसाब से आपको ये रिटर्न मिल जाता है। अब आपको डिप्लोमा इंजीनियर ये ऊपर वाला जो है ये आपका बीटेक के लिए हो चुका है। बीटेक के लिए ये क्योंकि मैं बीटेक के ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इस कॉलेज ये इस चैनल का मोटो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीटेक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। बीटेक किसी फना ब्रांच में, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपको डिटेल्स चाहिए या फिर पर्टिकुलर ब्रांच का आपको फीस का जानना है, तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताना या फिर सोशल हैंडल के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको आपका फीस का टोटल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फीस के मामले में तो ये आपको हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हो इसके अलावा आपको इसकी, अगर आप मैनेजमेंट के कोटा के थ्रू या फिर किसी और कोटा के थ्रू अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको एडमिशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखने वाला है कि इसको इस एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। एंड फॉर दैट अगर आप चाहते हो कि इसमें एडमिशन लेना, तो आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको नीचे दिया हुआ लिंक के थ्रू अगर आप एडमिशन करते हो तो बिल्कुल भी विदाउट एनी कॉस्ट ये मुफ्त हो जाता है। सो अगर आप चाहते हो कि इसमें एडमिशन लेना, इस रंगता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, अगर आप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे आप लोग क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर ले। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो किसी भी दिक्कत का आपको सामना अगर होता है, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, क्वेरी नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अलावा हॉस्टल फीस के प्रॉब्लम में, हॉस्टल फीस में सेम बराबर है। आप बोलोगे कि यार दोनों का लगने का क्या मतलब होता है अलग अलग लिखने का, बस यार दोनों को डिफरेंट दिखाना था इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया है। एंड हॉस्टल फी के अगर बारे में, हॉस्टल फीस के अलावा अगर कैंपस लाइफ के बारे में बात करूँ, तो जैसे कि रंगता खुद ये इंस्टीट्यूट जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करता है, क्या बोलता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि रंगता ऑलवेज बिलीव्स दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट पेरेंटल अफेक्शन एंड द केयर, द फैमिली बॉन्डिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बराबर, इट कैन हाउएवर बी रिप्लीकेटेड थ्रू द अफेक्शन एंड द लव
effects love large while the individuals from the different social and the cultural backgrounds live and work together and reach a new level of compatibility and mutual tolerance. आप मतलब एक एक जो भी एनवायरनमेंट गुड एनवायरनमेंट वो सारा का सारा कुछ ये प्रोवाइड करता है, ऐसा ये लोग दावा करते हैं। इसके अलावा आप अगर बात करते हैं एक कैंपस लाइफ को आपको डिटेल्स में पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं प्लेसमेंट के मामले में, भाई साहब प्लेसमेंट के मामले में पहले तो हाईलाइट देख लेते हैं कि इन्होंने अपना जो भी वेबसाइट में क्या मैंशन करके रखा है। हाईलाइट्स अगर देखें तो हाईलाइट्स पैकेज में आपको 12 लाख पर एनम जो कि प्रोवाइडेड बाय द 2020 पास आउट स्टूडेंट्स। एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो 3 लाख पर एनम। ए बार हाईएस्ट 40 कंपनीज विजिटेड द कॉलेज टू द रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर द विजिट हाफ ऑफ द 2019-20 सेशन। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हैज स्कोर सैटिस्फैक्टरी। प्लेसमेंट रेशियो ऑफ द 87% अरेंज 250 प्लस ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स इन लास्ट 5 ईयर्स। साइन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टाई अप्स इन विद द इंफोसिस कैंपस कनेक्ट जेनपेक्ट। इसी तरह बाकी बहुत सारी कंपनी के साथ ये अपना टाइप कर चुके हैं जो कि प्लेसमेंट के मामले में उतना भी ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर बात करते हैं इसके अलावा प्लेसमेंट का थोड़ा ओवरव्यू देखना कि ये एक्चुअली क्या प्रोवाइड कराता है कि इन शॉर्ट टर्म ऑफ कंडीशन कि प्लेस विद द इंडियस एंड द वर्ल्ड बेस्ट। इसमें आपको वर्ल्ड बेस्ट है कि या नहीं वो मैं अंत में बताऊँगा। 48 लाख पर एनम जो कि इसका हाईएस्ट पर इसका जो भी पैकेज रह चुका है 2500 प्लस ऑफर्स लेटर यहाँ पे ग्रैब हो चुके हैं। 300 प्लस कंपनी यहाँ पे विजिट हो चुके हैं। 359 सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है वो भी day 1 में, जो कि खुद में काफ़ी बड़ी बात होती है। 515 मिलियन टोटल पैकेज ऑफर दिस ईयर। 100% प्लेसमेंट फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट पिलग्रिमस ओनली R1 इन द छत्तीसगढ़ विद द कंपनीज लाइक DBS बैंक एंड द अमेजन, जो कि इतना सारा बड़े बड़े कंपनी जो भी पैकेज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बता दिया 250 प्लस ऑफर लेटर मिल चुका है एंड day 1 में आपको 359 सिलेक्शन हो चुका है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द इसके अलावा आपको 25,000 से ज़्यादा आपको एलुमनाई जो कि इस कॉलेज के आपको देखने को मिल जाएंगे। एलुमनाई वो भी बहुत अच्छी लेवल के एलुमनाई। एंड एलुमनाई का फ़ायदा क्या होता है, एलुमनाई की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, आपके इन फ्यूचर आपको जॉब रिलेटेड रिगार्डिंग या फिर कैरियर काउंसलिंग रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। अब आया था कि प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा कौन सा कंपनी इसमें विजिट करती है। जैसे कि आपको मालूम है जिस सबसे आपका सबका प्यारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अमेजन कंपनी आपको यहाँ पे विजिट करता है। इसके अलावा जस्ट डायल हो चुका है, कोलाबेरा हो चुका है एंड बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जो कि आपकी कुछ कंपनी इनमें से आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कुछ को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, कुछ को आप नहीं जानते हैं एंड उसमें भी आपका एडमिशन आपको प्लेस हो जाते हैं, आपका जॉब मिल जाता है। एंड बाकी है जो भी कंपनी विजिट करती है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया। इट्स नॉट पॉसिबल टू कि मेंटेन सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखा दिया जाए, लेकिन हाँ जो भी मेन कंपनी आती है जो भी मास रिक्रूटर्स होती है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। जो भी टॉप लेवल कंपनी होती है उनका नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया विद द लोगो। उसके अलावा आपको जो सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट 5 रंग द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आपको इसमें क्यों ज्वाइन होना चाहिए, तो उसके मामले में मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको आ जाते हैं कि वाई रंग तक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, आप देखिए आप जितने भी सबसे पहले तो ये बहुत सारा पुराना कॉलेज है, ये एक आपका फ़ायदा हो चुका है। दूसरा ये फ़ायदा है कि आप बाकी है जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है ना, लाइक आपको जितना भी प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है उनमें से इसका फीस एज कम्पेयर टू काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको ब्यूटीफुल कैंपस मिल जाती है एंड जो भी एलुमनाई नेटवर्क है वो काफ़ी सही मिल जाती है। अगर कॉन्स के इसके अलावा अगर जो भी डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ तो आपको हाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत पुराना होने के कारण भी प्लेसमेंट उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत सारा फैकल्टी इसका जो भी आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, अगर आप खुद से पढ़ते हैं खुद से अगर उसका कैपेबिलिटी है कि आपको कोडिंग या फिर किसी भी रिलेटेड आप किसी भी बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं किसी भी ब्रांच रिलेटेड, या फिर आप ऐसे बंदे हैं जो कि खुद से कुछ करने का हौसला रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये ऐसे में ये कॉलेज आपके लिए ठीक है। बाकी का ऑल अबाउट आपके सामने है, बाकी हमने ऑल डिटेल्स बता दिया है, चाहे वो हॉस्टल लाइफ हो, कैंपस लाइफ हो, हॉस्टल का फीस हो, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में मेंशन कर दिया। अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में बात करना चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम दिस कॉलेज तो डेफिनेटली कमेंट में ओके लिख के रेस्पॉन्स कीजिए। टिल देन बाय एंड मैं थैंक्स और एक्सपेक्ट यू बाय से।